व्हाट्स अप, हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फार्म और आज अपने लिए करनी है थ्रेसिंग बटरी की, तो लेट्स गो। बोरिया वगैरह रख ली है, सब कुछ रख लिया है और निकलते हैं। तो भाई पहुंच गए अपन अपने नॉर्थ फार्म और बस सपोर्टर वाली लकड़ी लगा के चलते हैं और ट्रॉली भरवाते हैं। पहले हमारी भरवा देते यार ट्रॉली। तो भाई अपन ट्राई करेंगे कि मॉर्निंग हाफ में इसके से अपन फ्री हो जाएं। देखो इतना बचा है वहां तक, तो अपन ट्राई करेंगे कि मॉर्निंग हाफ में यहां से फ्री हो जाएंगे। फिर इवनिंग हाफ में अपन इस ट्रैक्टर से रीपर माइंडर फंसा के काटेंगे गेहूँ बड़े वाले खेत का। और क्या कल उस ट्रैक्टर की स्टेयरिंग फेल हुई थी तो अपन उसको ठीक कर दिया है। उसका ओरिजिनल नट ले आए थे तो वो डलवा दिया है। और आपको वो दिखाऊं, वो देखो 47-10 वो चल रहा है, इधर दिख रहा है आपको, इधर इधर वो देखो थ्रेसिंग कर रहा है वहाँ पे। मत तो टूटनी थी खाटे जट के मैं, चलो ये भर गई, अब इसको लेके चलते हैं। और लटकी सी है यार। लो भी मित्रों करता का स्टार्ट। तो वो ट्रॉली खाली हो गई है तो उसको हटा के वाली लगवाते हैं। चलो इसको हटा दिया, उसको लगा देते हैं। एक ड्राइवर आज काफ़ी दिनों बाद आया है तो इसने अभी ट्रैक्टर चलाया नहीं है तो स्लोली स्लोली काम कर रहा है। तो भाई इस ट्रॉली को मैंने काट दिया है और अब एक काम करते हैं, अपन पूरे के पूरे लेबर्स को लेके चलते हैं और दोनों ट्रैक्टर्स को लेके चलते हैं। एक तो वहाँ पे भरा ही जा रहा है, वो देखो वहाँ पे भरा जा रहा है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अपन एक बार फिर से दोनों ट्रैक्टर को भर के लाते हैं। इसको पहले भरवा लेंगे, उसको बाद में भरवाएंगे। तो एक ट्रॉली और भरवा लेते हैं पूरे लेबर से। अपने पास फिलहाल दो ट्रैक्टर नहीं है क्योंकि एक वहाँ पे चल रहा है, अभी दिख नहीं रहा कहाँ पे, कोई दिख रहा मुझे कहाँ पे चल रहा है। तो अपने पास अगर तीन ट्रैक्टर होते तो एक इसमें परमानेंटली ट्रॉली में ट्रैक्टर फंसा रहता, ये जाता वो आता, ये जाता वो आता। अभी अपने पास दो हैं तो इसलिए बार बार खोलने लगाना पड़ रहा है। तो थ्रेसर में से तो ट्रैक्टर को थ्रेसर से खोलते हैं और इसमें फंसाते हैं और दोनों ट्रॉली भरवा के लाते हैं। दो पर ने एक ट्रॉली और भर ली है देखो, और वो लोग वो वाली ट्रॉली भी भर रहा है। अपन जाके थ्रेसर चालू करते हैं, इतने में वो लोग वो वाली ट्रॉली भर के लाएंगे। तो भाई अब 47-10 भी आ गया है देखो, बांस की थ्रेसिंग से फ्री होके आ गया है। तो अब इससे ट्रॉली वर्क करवाते हैं, ट्रॉली फंसवाते हैं। लो भी मित्रों वो भी आ गया है, वो देखो। तो भाई लेबर्स की छुट्टी का टाइम हो गया है और बस ये ट्रॉली भी खाली हो गई है, तो ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं, खाना खा लेते। तो भाई इस ट्रैक्टर के लिए अपने लिए भेजाना है कल्टीवेशन पे, तो अब फिर वापस से अपने पास दो ट्रैक्टर बचेंगे। तो इस ट्रॉली को खोल के आते हैं खेत में, ऐसी जगह खोल के आएंगे कि जहाँ पे ट्रॉली भर जाए, मतलब खेत के बीचों बीच खोल देंगे तो वो चारों तरफ से उसमें भर देंगे। और वो तो ऑलमोस्ट भरने ही वाली है। और लेबर्स को मैंने खाना खाने के लिए भेजा दिया है, आप बाकी की काम अपन करेंगे इवनिंग हाफ में। तो अपन ने इसमें पंजा फंसा के रख दिया, ट्रॉली खोला है, अब इसको ले जाएगा। और हाँ, और मैं भी घर पे चला, मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, वो देखो नहीं दिख रही, वो देखो। और कल एक नई बाइक और आई है पर मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं है, तो दिखा दूंगा अभी घर पे जाके या फिर जब मैं उसको चलाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। कल से आई है, मैंने अभी तक चलाया तक नहीं उसको। उतनी भयन घटना पैर में लग गई। तो अपन इसको देखने के लिए आए थे दोपहर में, थोड़ा टाइम मिला, अभी लेबर्स खाना खाने के लिए गए तो अपन सोचा कि चलो इनको देख लेते हैं, बढ़िया चल रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं अपन, हमने चलते हैं नॉर्थ फार्म। तो भाई अभी वो ड्राइवर वो वाला ट्रैक्टर लेके गया था कल्टीवेशन करने के लिए, फिर वो वापस आ गया, बोल रहा है कि अब ये ट्रैक्टर चाहिए, ये ट्रैक्टर थोड़ा, वो बोल रहा है कि उस ट्रैक्टर में एक साइड का पंजा ज़्यादा कपड़ा है और वो एडजस्ट करके वगैरह भी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन शेडिंग नहीं बन रही है, वो प्लाउ के लिए अच्छा है, एक कल्टीवेटर के लिए अच्छा है। वैसे अभी तक इससे कल्टीवेटर चलाया नहीं है बट मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये कल्टीवेटर बहुत अच्छे चलाएगा। चलो कल्टीवेटर फंसा के उसको ट्रैक्टर दे देते हैं, अपन मैसी रख लेंगे। मैंने उसको बोला था कि भाई ये छोटा वाला ले जाते, कहते छोटा वाला नहीं बड़ा ही वाला चाहिए, बड़ा वाला खुद अच्छे से नहीं चला रहा है।
तो ऑलमोस्ट अब अपने काम से फ्री होने वाले हैं। खेत पूरा खाली हो गया है, ये लास्ट ट्रॉली है, ये भी आधी आई है, और ये है अपना नन्हे थ्रेसर में चढ़ रहा है। अच्छे खेच के हम के थ्रेसर ट्रैक्टर में ठाड़ देने तो खतरनाक घुसे ने। अब बैठ भी हूं लगो तो जब हम लगा रहे थे। ए ए फोटो खिंचवा फोटो खिंचवा। हाँ दुल्हन को खींच लिया जाए, दुल्हन को स्टेज पे चढ़ा लो। लो भी मित्रों, एक ट्रैक्टर में दो ट्रॉली अटैच कर ली है, अब चलते हैं घर को। लेट्स गो लेट्स गो। टायर्ड वो सारा के चलो भाई चलते हैं। अरे घर निकाली है अपन तो। का खा रहे थे मुकद्दम? का है भभूति? का खा रहे थे? कैल्शियम माने चूना हो तो वो पढ़ा लिखो है बच्चे ये चूना थोड़ी है। हमें लाओ को के देखे भोसा खा रहे थे को बच्चा साहब। मैं तो दहो मैं बोरियां वगैरह खाली कर ली और वॉलेट में फसा रही पर वो बच्चा बेचारे बुलवा दे। चलो भाई इसमें रिपर वाइंडर फसा लेते हैं क्योंकि कल सुबह से अपन पूरे दिन गेहूं की कटाई करेंगे। व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो आज अपने लिए काटना है गेहूं और मैसी जा रहा है प्लाऊ पे और शायद हॉलैंड से अपन कल्टीवेशन करेंगे। आज सबसे बड़ा काम है गेहूं काटने का। सबसे पहले फंसाते हैं इसमें अपन प्लाऊ। ये इतने भीतर कौन मुझे रोएगी लाने, बहुत चंट हो तुम तो भाई। अब इसको उठा के थोड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रैक्टर टायर है वो इसमें आ रहा है। आई होप कि इसको इधर से थोड़ा सरकाने के बाद बन जाएगा काम, बन जाना चाहिए यार, वरना इसको निकालना पड़ेगा और अदरवाइज इसको निकालना पड़ेगा और इसको निकालने से पहले इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ट्रॉली यहाँ पे लगी तो ये नहीं बसेगा, तो बहुत समस्या की बात है। चलो थोड़ा सरकाते हैं। आओ दाऊ आओ, उतरी भी है कटना। जो कहानी कर रहा है अलग, जो कहते हैं वो ट्राली करने पर थो अलग। और मत को भी दूर है पर है यार, कर रहा लगा मजा ही आ गया। रुक जा बच्चा, कछु ले आओ बहुत घर गाओ, चल ले आओ फिर बाद में देख रहा अपन। तन का सरका दे और ये अपन देश में बाद हूं से बुलाओ तो पूछो देख रात से मेरे को आने पर हम। अब ले आओ भाई कट गई खाल होती यार, मांस खड़े आओ देखा तो ये लोग इस मांस खड़े आओ जो घल गाओ तो कच्ची लंजे गलत रही थी। तो भाई मैसी को निकलवा दिया है काम पे और अब अपन रिपर बैंडल लेके चलते हैं खेत गेहूं काटने के लिए। लेट्स गो। लो भी मित्रों करता काम स्टार्ट। गेहूं देखो आप 322 वैरायटी है, बहुत जोरदार है, हाइट बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। रिपर बैंडल कटाई अच्छी कर रहा है। जब बिल्कुल सीधे हो जाए फिर हुसैन ने तेरह चुनाई भाई ड्राइवर को दिया है, ये चला रहा पहली बार। आई होप कि अच्छे चलाएगा, बाकी मैंने काटा है बहुत जोरदार। जो प्लांट आड़े टेढ़े हैं उनकी भी बाले काट ले रही है और छोड़ तो एक भी पौधा नहीं रही है। अब भाई थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, जैसे ह्यूमंस काटते हैं लेबर काटते हैं, वैसे तो नहीं काट सकती लेकिन हाँ
बहुत डिसेंट काम कर देती है, क्योंकि लेबर में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, एक आध दो बाल आपकी गिर भी जाएंगी तो उतना पैसा नहीं लगेगा आपका। और फिर ड्राइवर पर रहता है कि अगर वो अच्छे चलाएगा। मुझे लगा ये भूख, मैं घर पे कॉल करता हूँ कि भाई मुझे टिफिन विफिन में जा दो, क्योंकि आज अपन इस प्लॉट को काट के ही जाएंगे। और मेरी आशाएं इस प्लॉट से थोड़ी ठीक ठाक हैं कि ये ठीक ठाक प्रोडक्शन देगी, लगभग ऐसे मान के चलो कि 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलना चाहिए, अगर भगवान की कृपा रही तो। ठीक है, तो अब लेट्स सी कैसा क्या रहता है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसा क्या निकला है। और थोड़ी देर से मैं जगह मेजर भी कर लूँगा कि कितने एकड़ है, लेकिन जब मैं इसकी थ्रेसिंग, जिस दिन थ्रेसिंग करूँगा, एक दिन में तो हो नहीं पाएगी, दो दिन में हो पाएगी, एक दिन में हो जाएगी तो अपन ट्राई करेंगे कि एक ही दिन में हो जाए, दिन रात से काम चलाएंगे जब भी थ्रेसिंग करेंगे। और वैरायटी 322 है। और अभी अपने सोयाबीन की कंडीशन भी देखने के लिए चलना है। एक बंदा पूछा था भाई सोयाबीन कौन सा है, तो M85 सोयाबीन है, M85 कुछ ला रहे हैं लोग के चौथे में। और मैंने एक नई टेक्निक ईजाद की है इसको मोड़ने की। वैसे मुरकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इधर करो उधर करो, रिवर्स करो, आएँ करो, पीछे करो, लेकिन अब मैंने नई टेक्निक ईजाद की है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बंदे को मैं बुला रहा हूँ, इधर बैठा रहा हूँ, वो वीडियो बनाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा मैंने कैसी ट्रक निकाली है। उसके बाद अपने ट्रक को बंद किया, थोड़ा सा ऊपर उठाया और ऐसे अपन ने मोड़ा। अभी मेरा एक हाथ बिजी है, अदरवाइज एक काम और जल्दी हो जाता, इसको अपन ने ऐसा किया। और कितने अच्छी लाइन से डलते जा रहे हैं, तो ऐसे मोड़ा मोड़ा मोड़ा। अब मुझे थोड़ा मंदा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक ही हाथ है। एक बार और मैं दिखाऊंगा किसी से वीडियो बनवा के, तब बहुत जल्दी मुड़ जाता है। एक हाथ दो बालें गिर जाती है पूर में से और कोई नुकसान नहीं होता, दाने आने कोई नहीं फूटती है। एक बंदा कमेंट करके बोला था भाई दाने छीटती है, तो देख लो भाई कहाँ पे दाने छीट रही है। अगर आपकी गेहूं में हाइट कम है तो दाने छीटेगी, अदरवाइज नहीं छीटेगी। तो अपनी रस्सी ख़त्म हो गई है, मैं तीन एक इसमें डाला था, दो लेके आया था, तो तीन पिंडे लेके आया था, उतने में अपनी 2.5 एकड़ कट गई होगी। और बहुत ज़ोरदार काट रहा है। और फिलहाल अपन चने देखने के लिए जा रहे हैं कि चने की कैसी क्या कंडीशन है। चने भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 दिन में पूरे कटने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 6 दिन बाद अपन इसकी थ्रेसिंग करेंगे, तो 6 दिन बाद थ्रेसिंग करेंगे, जैसे इसकी थ्रेसिंग से फ्री होंगे तो चने कटने का काम लग जाएगा। अपन ने इसमें जब 0050 का स्प्रे किया था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है, एक फली के अंदर दो दो दाने बन गए हैं। ये देखो मैं अभी तक आपको गाड़ी नहीं दिखा पाया था, ये है, यो रही अपनी चमक। चलो काम बंद करके घर पे जा रहे हैं, खाना पीना खा के आते हैं और नहा धो के आते हैं, फिर बाकी काम कंटिन्यू करेंगे। हम घर आए थे कि अच्छी खाए पिए तो ना आराम कर ले हैं, तारो खुलवा रहे हैं जो का कर रहा देख ना पा रहे हैं। रहने दे उल्टे सीधे गेट खोल ले। तो इस गाड़ी को आए हुए 2 दिन हो गए हैं और मैं इसको अभी पहली बार चला रहा हूँ और ऑलमोस्ट अपन खेत पहुँच ही गए हैं। चलो कटाई वटाई करते हैं, तो चलो वापस अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और आज तो मैं नहा भी नहीं पाया। और भाई खेत देखो यार कितना मस्त लग रहा है, सीमेंट ट्रक मतलब एक से बंडल डाले हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, हाय
पूरे बंडल एक से डले हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। मुकेश ने जहाँ तक काम चालू कर दिया है मेरे आने से पहले ही, चलो बढ़िया बात है। मैं थोड़ा लेट हो गया टायर वायर खोलने के चक्कर में। नौवीं मित्रों चेक करो, आज पूरे दिन की मेहनत, सुबह से शाम हो गई है। सुबह ही आ गए थे अपन बहुत जल्दी और अपन ने इस खेत को काट दिया है। आई एम सो हैप्पी। अब 6-7 दिन बाद अपन इसकी थ्रेशिंग वगैरह करेंगे। और अब तो भाई ये रहे अपने लेट सीडिंग वाले चने, इनमें से कुछ पौधे उखड़ रहे हैं, उगर रहे हैं, सूख रहे हैं, जो भी आप कहो। तो वी कैन स्प्रे फंजीसाइड ओवर देम, पर एक समस्या है कि फंजीसाइड स्प्रे करेंगे तो इसकी उम्र और बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी तो लपटे वगैरह चलने लगेंगी, तो दाने भराव में दिक्कत हो सकती है, तो सोच समझ के स्प्रे करना पड़ेगा। तो फिलहाल अपन सोयाबीन की कंडीशन चेक करने के लिए आए थे, तो चलो चेक करते हैं क्या दिक्कत है, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, कोई रोग बीमारी तो नहीं है। लुक्स फकिंग इनसीन। चलो और चल के देखते हैं। अभी तक तो भाई बहुत बढ़िया दिख रहा है।